गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है पीडीएस डीलर के लिए। दोस्तों, जो बीजेपी गवर्नमेंट है आपका राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपने पीडीएस डीलर को सैलरी और मानदेय देने का घोषणा किया है और वहाँ पे मानदेय मिलना स्टार्ट भी हो गया है। दोस्तों देखिए, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर दिया हुआ है, और वहाँ कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ है उसका देखिए यहाँ पर एक आपको दिखा रहे हैं। एक है कैबिनेट डिसीजन में क्या हुआ है, उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न व्यवस्थाओं के लिए राशि में वृद्धि। देखिए, मंत्रिपरिषद ने उचित मूल्य के दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय और वॉश मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें नगरीय क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 70 से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दोस्तों जी, यहाँ पे यहाँ तक आप लोग मत ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। दोस्तों आगे क्या है इसमें, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से अधिक राशन कार्ड होने पर, पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 10,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यानी दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकान है जिसमें 200 राशन कार्ड टैग है और 200 राशन कार्ड धारियों को राशन वितरण करते हैं, उन्हें प्रत्येक माह 10,500 रुपये प्रति माह के दर से मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों को 200 से कम राशन कार्ड होने और पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 6,000 रुपये प्रति माह, और ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य दुकान और अंशकालिक विक्रेता होने पर 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, समझने वाली चीज़ है कि 200 से 200 है और 200 से अधिक है तो आपको 10,500 मिलेगा, और 200 से कम है तो आपको 6,000 रुपये प्रति माह के, यानी 200 से कम राशन कार्ड का वितरण आप करते हैं, अगर कोई विक्रेता करता है तो उनके 6,000 रुपये प्रति माह के दर से मानदेय सरकार देगी, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नगर क्षेत्र के लिए नहीं। और दूसरा है दोस्तों कि जो अंशकालिक विक्रेता है, जैसे कुछ वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में क्या है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ विशेष योजना के लिए, किस विशेष परिस्थिति में किसी जगह के लिए आपको निज्ञप्ति दिया जाता है, उनको 3,000 रुपया प्रति माह के दर से मिलेगा। इसी प्रकार दुकान विहीन 1514 पंचायतों में नवीन दुकान खोलने पर खदान में कमीशन 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। नया दुकान के लिए है दोस्तों, खदान के परिवहन हैंडलिंग मद में प्रति क्विंटल राशि 65 से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। साथ ही उचित मूल्य दुकानों के पोएस के लिए अतिरिक्त मार्जिन राशि 17 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 21 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। इन सभी पर राज्य सरकार द्वारा नियमित 50% राशि के अतिरिक्त 52,20,00,000 रुपये का प्रतिमा व्यय किया जाएगा। दोस्तों वहां पर क्या है, जैसे बिहार में है कि सिर्फ आपको कमीशन मिलता था, वो भी अब बंद कर दिया गया है, और कोई चीज नहीं मिलता था, लेकिन जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पे आपको पॉस मशीन से वितरण करते हैं उसका अलग कमीशन मिलता है, जो परिवहन से आता है आपको खाद्यान्न जो आप उतरवाते हैं उसको रखवाते हैं, उतरवाते रखवाने और उसका मेंटेनेंस करने के लिए अलग से पैसा मिलता है और कमीशन अलग से मिलता था। कमीशन को ग्रामीण क्षेत्र में बंद करके आपको वहाँ पर अब राशन कार्ड वितरण के अनुसार, राशन कार्ड टैगिंग के अनुसार वहाँ पे मानदेय फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक न्यूज है, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको। राशन शॉप एमपी में राशन दुकानों को सेल्समैन की बढ़ गई सैलरी, अब मिलेंगे इतने पैसे। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, कब से क्या मिलने वाला, कितना मिलने वाला, आप लोग जाके देख सकते हैं। और राजस्थान जो, सॉरी एमपी का जो, राजस्थान बार बार निकल जा रहा है यार, वो जो एमपी का जो है उसका जो जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके सब चीज देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। दोस्तों भारत में केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये तीन राज्य जो है अपना दे दिया, सभी डीलर को मानदेय फिक्स कर दिया, और भी राज्य फिक्स करने में लगा हुआ है, वो लोग का प्रस्ताव है, जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा, और देखिए बिहार में कब फिक्स होता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।